अब तक की तस्वीर आपको डराती रही, हैरान करती रही और कुत्तों के हमले को लेकर आप भी डरे रहे। लेकिन अब एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस तस्वीर ने हर किसी का दिल दहला दिया है। हर कोई इस तस्वीर को सुनने के बाद और इस कहानी को देखने के बाद दंग रह जाएगा। ये तस्वीर ब्लर है, क्योंकि इस 7 महीने के मासूम को नोचा गया। महज 7 महीने के मासूम की मौत हो गई। सोचिए, 7 महीने के मासूम पर आवारा कुत्तों ने हमला किया और उसके बदन को छलनी कर दिया। इतना खतरनाक नोचा गया कि 7 महीने के मासूम की आंतें बाहर आ गई। पूरी घटना नोएडा के सेक्टर 39 की है, जहां सेक्टर 100 में मौजूद है लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी, एक नामी और पोश सोसाइटी, जहां मजदूरी कर पेट पाल रहे मजदूर परिवार ने सड़क निर्माण का काम कर रहा था। मजदूर राजेश कुमार अपनी पत्नी सपना के साथ 7 महीने के मासूम अरविंद को लेकर सड़क निर्माण के काम में लगे थे। बच्चे को इस मजदूर माता पिता ने सड़क के किनारे चादर बिछाकर सुला दिया और वो अपने काम में लग गए। तभी वहां 3 लावारिस कुत्तों ने मासूम पर अचानक हमला किया। उसके शरीर को नोचा गया, बच्चे के पेट के आते बाहर आ गई और इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। इस घटना ने हर किसी को हिला दिया, सहमा दिया, क्योंकि इस बार आवारा कुत्तों ने 7 महीने की मासूम की जान ले ली। सोचिए, एक मासूम को बेरहमी से नोचा गया, बच्चे के आते बाहर आ गई। मजदूर माता पिता अपने मासूम को लेकर अस्पताल गए, लेकिन बच्चे ने दम तोड़ दिया। बता दें, दोनों माता पिता मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और नोएडा में ये परिवार 7 महीने के मासूम बेटे अरविंद के साथ लोटस सोसाइटी में रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। बेटे को साइड में चादर बिछाकर सुलाया था और काम में लग गए। तभी शाम 4 बजे 3 आवारा कुत्तों ने मासूम अरविंद पर यह हमला किया और उसकी जान ले ली। घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में गुस्सा है और हर कोई अपने बच्चों की हिफाजत को लेकर चिंतित है। चाहिए, देखो सुनो मेरी बात, आज एक बच्चा मरा है, कल मेरी भी बच्ची मर सकती है। मेरी छोटी बच्ची है 6 साल की, मैं उसको बाहर बेच पाऊंगा नहीं बेच पाऊंगा, मेरे को तो डर है, मेरे को तो सोल्यूशन चाहिए चाहिए। नहीं नहीं, हर एक का मुझे नहीं पता, हर कोई ऐसे बोल के जा रहा है, मेरे को तो चाहिए। डंडा बंद करा दिया, उनसे पूछो तो कहते हमारा बंद कराया। देखो यहाँ से 200 मीटर प्रेसिडेंट साहब रहते हैं, 400 मीटर सेकंड रहते हैं, इधर वाले सबको बुलाइए, मैं विद यू आपके साथ हूँ, मैं मेरे पास कोई पावर नहीं है। आप लोग कह रहे हो नहीं, हम है ना आपके साथ पावर, हम आपकी पावर है। अंकल फोन करके बुला लो, हम खड़े हैं यहाँ पे। आप लोग किसी वो एलबी स्टेट डॉग में हो ग्रुप में, उसमें एक बार डालो ना फोटो, वो सारे आएंगे यहाँ पे, एक बार डालो फोटो डालो उसको। 20 सिक्योरिटी चेंज हो रही है यहाँ पे, सारे काम हो रहे हैं, एक कुत्ता ही नहीं बाहर जा रहा। ये जो इलेक्शन जीते हैं उसमें इनका मोटिव था कुत्ता भगाने का, वो उसका क्या हुआ, वो क्या हुआ उसका, सिक्योरिटी चेंज करने का, सिक्योरिटी चेंज हो जाती है, सारे चीज चेंज हो जाती है, कुत्ता नहीं भाग जा बाहर जा रहा। सर सारे आओ प्लीज प्लीज, सब एक बार ही आओ सब, सर प्लीज विदाउट। एक मिनट, आप सबको तो पता ही है ना, कल बच्चा हुआ मर गया है, सबको पता है, सुबह पता चल गया यहाँ पे, कल 7 महीने का बच्चा मर गया है, सबको पता है कि नहीं पता, किस किस को नहीं पता, आप हाथ खड़े करो, मैं आपको बताता हूँ, कल वहाँ पे 7 महीने का बच्चा कुत्ते ने काटा है, उसकी इंटेस्टाइन बाहर निकाल दी है और वो हॉस्पिटल में मर गया है। जो यहाँ पे जो कुत्तों को लेके वो कहते हैं ना कि यार नहीं ये नहीं वो नहीं, वो कह रहे हैं कि उस कुत्ते, नहीं नहीं एक मिनट, उस बच्चे ने उस कुत्ते को प्रोवोक किया है, क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप ये बताओ मतलब। और उसके बाद सोसाइटी के लोगों ने सड़कों पर उतर कर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। लेकिन सोचिए, उस मजदूर परिवार के लिए जो अपने रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को साथ लेकर चलते हैं, मासूमों को सड़क पर सुलाते हैं और अचानक आवारा कुत्तों ने 7 महीने की मासूम की जान ले ली है। वैसे अब तक पिटबुल डॉग के हमलों के आतंक लगातार सामने आए और नोएडा की ऐसी कई सोसाइटी के सीसीटीवी वीडियो सामने आए जब आवारा कुत्तों ने
जानलेवा हमले भी किए, लेकिन इस घटना ने हर किसी को दहला दिया है, क्योंकि इस बार ये हमला 7 महीने के मासूम पर किया गया और उसकी मौत हो गई। कमर दर्द, स्लिप डिस्क, जोड़ों में दर्द, हाथ का सुन होना, गर्दन में दर्द जैसी समस्या से परेशान हैं आप, तो घबराए नहीं। सुमन हॉस्पिटल है ना, जहां बिना किसी ऑपरेशन और बिना किसी चीड़फाड़ के मिलता है इलाज, जहां अनुभवी डॉक्टर गुलशन जांगिड़ अपने अनुभव से करेंगे आपकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी प्रकार के हड्डी के दर्द, गंजेपन की समस्या का कर रहे हैं सामना, तो डॉक्टर गुलशन जांगिड़ से तुरंत कर सकते हैं संपर्क, जिनके बेहतर अनुभव ने हजारों का किया है उपचार, जहां आपको किसी ऑपरेशन या फिर चीरफाड़ से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर गुलशन जांगिड़ जोड़ों कमर दर्द की समस्या का बिना किसी ऑपरेशन के न्यूरो पंचकर्म थेरेपी से करेंगे इलाज। तो देर ना करें, तुरंत स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर संपर्क करें और कराइए अपना रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सुमन हॉस्पिटल है आपका अपना हॉस्पिटल, जहां बेहतर इलाज देना ही है डॉक्टर गुलशन जांगिड़ का लक्ष्य। डॉक्टर गुलशन जांगिड़, जालान स्कूल के पास, रामगढ़ रोड, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 7733002662। फोन नंबर 01571294293। तो दर्द से पाना है छुटकारा, तो चले आइए सुमन हॉस्पिटल।